अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। वार्मली वेलकम है आप लोगों का अनदर वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ ड्रिंक रेडियस के बारे में। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है कोमल और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट होम रेमेडीज प्रोडक्ट्स के रिव्यू जो आप लोगों की स्किन के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए, आप लोगों की डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जितनी भी रेमेडीज होती हैं वो बहुत ही टेस्टेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता है उसके ऊपर मेरा यकीन होता है, दैन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ड्रिंक रेडियस के बारे में आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आज की वीडियो में मिलने वाली है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स होती हैं उनको अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है कि वो स्पेशली कहीं पार्लर जाएँ और दैन जाकर सारे प्रोसेस करवाएँ और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए तैयार कर सकें। तो इसके लिए अगर आपको ये सब चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल हैं तो आपको क्या चाहिए कि ज़रूरत है कि आप लोग बाहर जाएं, तो आप लोगों को ये तमाम प्रोसेस बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग घर में कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आपको तीन चीज़ें चाहिए ओनली ऑन, तो फर्स्ट आपको चाहिए मॉइस्चराइज़र कोई भी अच्छा सा, एंड सेकेंड आपको चाहिए जो भी आप यूज़ करते हैं, स्क्रीन पर दो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इसके अलावा आप खुद के भी जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है और मुझे अच्छा लगता है, तो दैन मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ इसे। सेकेंड आपको सीजर और टिंकर रेजर चाहिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली नहीं देखी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है टिंकर रेजर्स की, तमाम मैंने उसमें डिटेल बताई हुई है कि इसके प्राइजेस क्या है, कहाँ से कैसे आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्राई पिंपल स्किन वाले इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ, तो आपने वो लाजमी चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल को, क्योंकि आपका फेस ड्राई नहीं होना चाहिए, वेट होना चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो उस पर कोई भी कट वगैरह ना लग सके। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैं एक तो सही में खड़ी हूँ, मेरी यकीन करें मुझे पसीना भी आ रहा है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि मेरी आईब्रोज़ कितनी हल्की हैं, मतलब कितनी थिन है, थिक नहीं है। लोगों की बहुत थिक होती हैं तो आपको वहाँ पर जिनकी थिक होती है ना उनके ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को पता चलता है। ये आपने टिंकर से देखा है, ये जिगजैग वाला ही लेना है आपने, जिगजैग के बगैर जो मैं आपको स्ट्रेट पिंक वाला शो करवा रही हूँ आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अब आपने ये करना है आईब्रोज़ का दरमियान वाला सेक्शन लेना है, आपने अपनी आईब्रो आईज़ को देखना है और दरमियान वाली साइड पे आपने एक मार्क लगा लेना है किसी भी पेंसिल से। इसके बाद आपने अपने नोज़ के अराउंड देखना है दोनों साइड्स पे कि आपके जो दरमियान में जो करेक्ट आपका साइन बनता है कि आपको इतनी चाहिए वहाँ पर एक मार्क लगाना है कैंड में, और फिर उसको एक गाइडलाइन बना लेनी है आपने। तीनों मार्क लगाने के बाद आपने गाइडलाइन बना लेनी है, या आपकी गाइडलाइन बन गई, अब आपने ट्रिंक का इस्तेमाल स्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं आपने इसकी डिग्री को ऐसे घुमा के इस्तेमाल करना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा करके नहीं करना है वरना आपकी स्किन पर बहुत से इशूज़ हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से करना है, मेरी स्किन पर आप देखेंगे बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया, फिर भी मेरी स्किन पर कोई इशू नहीं आएगा। ये देखें बाल, मैंने जैसे कि आपको बताया मेरी आईब्रोज़ के बहुत थिन हैं, बिल्कुल भी थिक नहीं है। मैं बनाती भी नहीं हूँ, जैसे आप लोगों के लिए बनाई है मैंने ये वीडियो, तो लाजमी से इसे बहुत मेरे से वीडियो बनाई है, तो आपने लाजमी से इसे लाइक कर लेना है, अपने प्यारों के साथ शेयर करना है ताकि उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल सके, ताकि वो घर में अपने ऐसे काम कर सकें, ठीक है। आप फेस शेविंग भी कैसे कर सकते हैं वो भी उसको आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया, और आज वाली वीडियो से भी आप गाइडलाइन लेके ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी आपको हार्शनेस नहीं होगी। अभी दोनों आईब्रोज़ में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे ज़्यादा बाल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है क्योंकि हल्की हल्की ऐसे तो होते ही हैं, ठीक है। अब हमने करना है नीचे वाला पार्ट जो ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो नीचे भी आपने देखा बहुत थोड़े से बाल हैं, तो अगर मेरे पास कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं था जिससे मैं आपको दिखाती और बताती कि इस तरीके से आप लोग करें, बट मैं अपने ऊपर ही आपको करके बता रही हूँ ताकि आप लोग भी खुद से करें तो डरिएगा मत। जब आप ऊपर वाली साइड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने मास्क को टाइट करें, लेकिन जब आप नीचे वाली साइड करेंगे तो आपके ऐसे हाथों की मदद से अपनी आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ करना है ताकि टाइट हो जाए आपकी स्किन, और दैन आपने हल्के हल्के हाथों से ऐसे अपने स्किन के जितने एक्स्ट्रा आईब्रोज़ के बाल हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। गाइडलाइन आपने ऊपर भी वैसी बनानी है, नीचे भी वैसे बनानी है, ताकि आप उसी को ही फॉलो करते रहें। मुझे अपना पता है इसलिए मैंने गाइडलाइन नहीं ली है, मेरी नेचुरल ही है शेप और मैं इसी को ही क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखें आपने खड़ा करके बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, थोड़ा चिपटा इसकी डिग्री को घुमा के आपने यूज़ करना है। जितना आप इसे वार्मली साइड पर करेंगे उतना अच्छा होगा, आपकी स्किन पर उतने भी रिएक्शन नहीं होंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने डिंकर रेजर्स को इस्तेमाल किया है अपनी आईब्रोज़ बनाई है। दूसरी साइड का आप डिफरेंस देख सकते हैं, वहाँ पर बाल हैं और इस साइड को बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, अब आपने देखना है कि अगर आपकी आईब्रो के जो दरमियान वाला पार्ट होता है वहाँ पर बाल हैं, आपने उसे भी ऐसे रिमूव कर लेना है, एंड ये आपकी आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर अगर ऊपर की तरफ बाल जाने तो उसे सीजर की मदद से आपने कट कर लेना है इक्वल रख के, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। वीडियो अच्छी, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक को मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।